हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। जीआईएस और बीडीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 12th लेटर राइटिंग आपका टॉपिक चल रहा था और आज इस टॉपिक का चौथा दिन है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, मैं आज यह नाम नहीं लूंगा, कमेंट्स के नाम कल बोलूंगा। जो बच्चे आज के वीडियो में कमेंट करेंगे उनका नाम कल, और कोई भी आपके सुझाव हो, कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट में डाल सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर थोड़ा इंग्लिश और बढ़ा दो। यस, आई विल मैनेज इट। एक बच्चे का कमेंट है, कुछ कविता सुना दो सर हिंदी की। चलो कविता भी सुनाई जाएगी। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। आपका दो या तीन पत्र लिखे जा रहे थे, तीन लिखे भी नहीं थे पूरे। लेटर टू एडिटर थोड़े से पड़े हैं, मैंने थोड़ा सा यहां पहले से मैनेज कर लिया है, जिससे कम से कम दो या तीन पत्र तो आज मैं कंप्लीट करा दूं। हाँ, एक बच्चे की समस्या ये भी थी सब थोड़ा धीमे लिखाऊं, बाद में लिखा नहीं जाता है। यहां बात करते हैं लेटर टू एडिटर में। सर्वप्रथम, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल राइट योर एड्रेस। यू आर राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान। प्रश्न यह है कि हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को आप पत्र लिख रहे हो, व्हाई? व्हाट इज द रीजन दैट यू आर राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स? द क्वेश्चन इज दैट वी आर राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर बिकॉज वी वांट टू टेल हिम आवर व्यूज, माय व्यूज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द सजेशंस फॉर टैकलिंग इट। बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसको समाधान के कुछ सुझाव या देने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपने एड्रेस लिखा, डेट द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। मैं थोड़ा यहां हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। पहले स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। शायद हो गया होगा। चलिए बात करते हैं। द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, कोई भी समाचार पत्र जो दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, समाचार पत्र का नाम जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है। न्यू दिल्ली स्थान का नाम मैंने आपको एक दिन और बताया था। यहां यदि कोई महानगर हो, मेगा सिटी हो, तो आप अपना पिन नंबर भी यहां लिख सकते हो। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट, विषय, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सजेशंस, बेरोजगारी की समस्या और सुझाव। प्रिय विद्यार्थियों, आप लेटर टू एडिटर में यदि सब्जेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो भी आपका यह बिल्कुल सही है, क्योंकि लेटर टू एडिटर में इसका अंक नहीं होता है। लेटर टू एडिटर जो होते हैं, संपादक को जो पत्र होते हैं, उनमें कंप्लीट जो व्यू, कंप्लीट विचार, दृष्टिकोण वो पढ़ा जाता है, और यदि दृष्टिकोण सही है तो ही संपादक उस आर्टिकल को, लेख को, या आपके विचारों को, दृष्टिकोण को अपने न्यूज़पेपर में जगह देता है। डियर सर, यहां आप सर भी लिख सकते हो, मैंने बताया था, थ्रू द कॉलम ऑफ यूर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू माने के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, बाई, बाई माने क्या होता है, के माध्यम से, थ्रू माने क्या क्या होता है, के माध्यम से या से होकर,
जैसे कि आई कैन सी थ्रू द ग्लासेज और स्पेक्टिकल्स, मैं इन चश्मों से होकर देख सकता हूं। जैसे कि आई कैन सी थ्रू द विंडो, मैं खिड़की से बाहर देख सकता हूं। यहां बात की जा रही है थ्रू द कॉलम, स्तंभ के माध्यम से, कॉलम माने स्तंभ, कॉलम पढ़ोगे तो ही बेहतर है, ऑफ यूर एस्टीम्ड न्यूज पेपर। मैंने एक दिन और बताया था प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश, वी शुड नॉट ट्रांसलेट दीज वर्ड्स इन हिंदी, हमें इन शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, सही अर्थ बैठता है और ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ अलग सा महसूस होता है। कॉलम, ऐसे ही बहुत सारे शब्द मैंने उस दिन भी आपको बता दिए थे। कॉलम ऑफ यूर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके अत्यंत प्रभावशाली न्यूज़पेपर माने समाचार पत्र, आपके अत्यंत प्रभावशाली समाचार पत्र के माध्यम से आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा, पसंद करूंगा, टू ड्रॉ लाना द काइंड नोटिस, दयालु ध्यान ऑफ अथॉरिटीज, अधिकारियों का, एंड कॉमन फॉल्क और आम जनता का, टूवर्ड्स माई दिस लेटर, मेरे इस पत्र की ओर, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या के बारे में, एंड सजेशंस और सुझाव फॉर टैकलिंग इट, इसके समाधान के। प्रिय विद्यार्थी, थोड़ा सा अलग है ये कंप्लेन लेटर से, अलग कुछ भी नहीं है। एक तो इसमें क्या होता है, हमें यह लिखना होता है कि हम जो कुछ भी अपने विचार या शिकायत यहां दर्ज करा रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको हम तुम्हारे समाचार पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं, पब्लिश कराना चाहते हैं। दूसरी बात, यहां यह भी लिखना होता है कि हम यहां तुम्हारा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते, बल्कि तुम्हारे समाचार पत्र के माध्यम से हम आम जनता का और उच्च अधिकारियों का ध्यान लाना चाहते हैं, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो या समस्या के बारे में कुछ विचार किया जाए। एक और इसमें आप सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हो, किस प्रकार से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड नोटिस ऑफ अथॉरिटीज एंड कॉमन फॉल्क, फिर कॉमन फॉल्क के बाद आप लिखोगे थ्रू द कॉलम ऑफ यूर एस्टीम्ड न्यूज पेपर, टूवर्ड्स माई दिस लेटर, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सजेशन फॉर टैकलिंग इट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्रिय विद्यार्थी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड नोटिस ऑफ हाई अथॉरिटीज थ्रू यूर वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज पेपर या वीकली न्यूज पेपर, दैनिक समाचार पत्र या वीकली साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से मैं उच्च अधिकारियों का ध्यान लाना चाहूंगा। किसकी ओर ध्यान लाना चाहूंगा वो फिर आप इसमें ये लिख सकते हो, किसी भी प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज बेफल्ड, प्रिय विद्यार्थियों आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपको 5 सेकंड का समय है। मुझे लगता है आप स्क्रीन शॉट ले चुके हैं, स्क्रीन शॉट लेने से आप लिख लिया होगा, नहीं लिख लेंगे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्क्रीन शॉट यदि आपने ले लिया है तो फिर आप उसको बाद में भी कॉपी कर सकते हो। यहां से आगे आपको पैरा चेंज करना है, पैराग्राफ बदलना है। पैराग्राफ का मतलब वही बात है, पैराग्राफ का मतलब हिंदी होता है अनुच्छेद, उसी प्रकार से पैराग्राफ को भी आप इंग्लिश में ही बोलिए। ध्यान दीजिए, ये ब्लॉक फॉर्मेट है, पत्र का ब्लॉक फॉर्मेट जो आजकल चल रहा है,
डियर के नीचे ही लाइन में आपको, मतलब एक लाइन छोड़ करके इसी सीट में आपको पत्र प्रारंभ करना है, सर के नीचे से नहीं करना है। दूसरी बात, आपने अपना यहां से ऊपर अपना पैरा बनाया है तो आप यहां से ही इसी सीट में अपना पैरा बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपका यहां, मैंने देखा है विद्यार्थियों को कि यहां इस स्थान पर आपका लाइन यहां तक भर गया है और आप यहां के नीचे यहां से प्रारंभ कर देते हो लिखना, ये नहीं। आप उस प्रकार से लिखो जिस प्रकार से आपने ऊपर पैराग्राफ बनाया है। मान के चलिए आप ऊपर पैराग्राफ यहां से बनाते हैं तो फिर नीचे पैराग्राफ यहां से ही चेंज करने का प्रयास करें। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या ने हैज बेफल्ड माने व्याकुल कर दिया है, विफल कर दिया है। वही मैं बता रहा था कि इंडिगो वाले पार्ट में स्पेलिंग फिर आएगी, अंडरलाइन कर लो और लिख भी सकते हो इंडिगो। द माइंड्स ऑफ रूलर्स, शासकों के मस्तिष्को दिमाग को, विद्यार्थियों ये क्या कह रहा है कि बेरोजगारी की समस्या ने शासकों के दिमाग को व्याकुल कर दिया है, विफल कर दिया है। एज वेल एज, और साथ साथ ही द रूल्ड, रूल्ड माने जिन पर शासन किया जाता है, इन इंडिया माने भारत में। ध्यान दीजिए, रूलर्स का अर्थ होगा शासक और रूल्ड का अर्थ होगा शासित, यानी कि जनता। ध्यान दीजिए इस पर। द एजुकेटेड यंग मैन, शिक्षित युवक सीम प्रतीत होते हैं टू बी द वर्स्ट हिट माने सबसे बुरे चोटग्रस्त। वर्स्ट माने सबसे अधिक बुरा। प्रिय विद्यार्थी, मैंने कल भी बताया था जैसे लिस्ट बताया था उसी प्रकार से डब्ल्यू ओ आर एस टी ये आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो फिर इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? बैड। और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? वर्स। ध्यान रखना, बैड, वर्स और वर्स्ट, ये इसकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। Those वेलो Who are responsible, जो जिम्मेदार हैं for giving माने देने के लिए a solution, एक समाधान। किस चीज के लिए समाधान? To this problem, इस समस्या के लिए। कौन सी समस्या? बेरोजगारी की। Are busy, वे लोग व्यस्त हैं in figuring माने चमकाने में, सजाने में their own nest, अपने स्वयं के घरों को। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात करते हैं, फीदर का मतलब होता है पंख, पंख, और नेस्टमान होता है घोंसला। इसका वास्तविक अर्थ लेते हैं तो अर्थ होगा अपने घोंसलों में पंख लगाने में, लेकिन ऐसे अर्थ नहीं बोलेंगे। घोंसलों में पंख लगाने का मतलब घोंसले को और अच्छे तरीके से बनाना, सजाना। उसी प्रकार से कि वो व्यक्ति जो समाधान कर सकते हैं, वो व्यक्ति समाधान करने के बजाय अपने ही घरों को सजा रहे, अपने घरों को बना रहे, जनता की समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां से आगे आपको पैरा चेंज नहीं करना है। हम यहां पैरा चेंज करेंगे तो कहां करेंगे? बेरोजगारी की समस्या कैसे कैसे है ये बताने के बाद सजेशन, जब सुझाव दिया जाएगा वहां आपको ये बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहां से आगे। फीदरिंग देयर ओन नेस्ट, अपने स्वयं को घर, स्वयं के घरों को सजाने में वो क्या है? व्यस्त है। आगे लिखिए, इसी में आगे, The talks of reform in the field of
एजुकेशन आर बॉडी, या पॉइंट बनाने के बजाय सीधे ही लिखिए पैरा बना करके। मैंने बताया था आपको थोड़ा सा इसमें अधिक लिखाऊंगा, जिससे कि ये यदि आपको आता है रिपोर्ट राइटिंग आर्टिकल स्पीच राइटिंग में तो आपको अधिक समस्या का सामना ना करना पड़ेगा। द टॉक्स ऑफ रिफॉर्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर बॉगी, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बातें कैसी हैं, खोखली हैं। बॉगी का मतलब होता है खोखला। एक शब्द और है अंग्रेजी का हॉलो, हॉलो माने भी क्या होता है खोखला। ये शब्द भी आप पढ़ लेंगे क्लास ट्वेल्थ में, पाठ आपका है अनिजन का वही पाठ लॉस्ट स्प्रिंग हॉलो, पहले ही जहां चैप्टर आपका खुलेगा वहीं आपको पांच से या सात लाइन बाद ये आपको मिल जाएगा हॉलो। इससे आगे लिखते हैं सुधार की बातें क्या होती हैं, खोखली होती हैं जो लोग सुधार की बातें करते हैं। यहां से आगे आपको लिखना है लॉन्ग लॉन्ग क्यूज, लंबी लंबी कतारें ऑफ एजुकेटेड यंग मैन, शिक्षित युवकों की लंबी लंबी कतारें वेट इंतजार करती हैं आउटसाइड बाहर की तरफ द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस। टू सीक व्हाइट कॉलर जॉब्स। उतारिए, आप वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हो। यह बात की जा रही है नेक्स्ट लंबी लंबी कतारें ऑफ एजुकेशन, सॉरी एजुकेटेड, एजुकेटेड यंग मैन, शायद बोला तो एजुकेटेड था, एजुकेटेड यंग मैन शिक्षित युवकों। ये ध्यान रखना एजुकेट शिक्षित करना और एजुकेटेड ये क्या है मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन यदि किसी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म किसी नाउन से पहले आ जाती है तो वो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव विशेषण का काम भी करती है, जैसे कि इसमें कर रही है शिक्षित युवक। शिक्षित क्या हो गया आपका विशेषण और यंग मैन का मतलब युवक जो क्या हो गया आपका नाउन यानी कि संज्ञा। वेट इंतजार करती है, शिक्षित युवकों की लंबी लंबी कतारें इंतजार करती हैं आउटसाइड माने बाहर की तरफ द गवर्नमेंट माने सरकारी GOVERNMENT। आप यदि चाहें तो इस अक्षर को कैपिटल भी बना सकते हैं क्योंकि ये कॉमन शब्द हो गया और जो शब्द कॉमन हो जाता है आप चाहें तो उस शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल बना सकते हो, चाहे वेदर इट इज गिवन इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, चाहे वो कहां दिया गया है आपके सेंटेंस के बीच में भी तब भी आप इसको लिख सकते हैं। यह तो बहुत से लेखक हैं जिन्होंने देसी शब्दों का इस्तेमाल भी किया है अंग्रेजी में, लेकिन उन लेखकों ने वहां उस शब्द को सीधा फॉन्ट न बना करके उसके फॉन्ट टेढ़े करके लिखे हैं। आगे चलते हैं आउटसाइड द गवर्नमेंट सरकारी और सेमी गवर्नमेंट अर्ध सरकारी ऑफिसेज माने कार्यालयों के बाहर, टू सीक ढूंढने के लिए तलाश करने के लिए प्राप्त करने के लिए व्हाइट कॉलर जॉब्स सफेद पोस्ट नौकरी।
प्रिय विद्यार्थियों, व्हाइट कॉलर का मतलब क्या होता है? सफेद पोस। सफेद पोस का मतलब क्या होता है? क्लर्क जॉब जो होता है, लिपिक या बाबू की नौकरी होती है, उसको कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स। यानी कि ऐसे जॉब, ऐसी नौकरियां, ऐसे कार्य जो कारखानों में नहीं किए जाते, वो केवल ऑफिस में बैठ करके किए जाते हैं। अंग्रेजों के समय में, पहले यहां इंडिया में, वहां अपने देश में, वो व्यक्ति जो श्रमिक नहीं होते थे, यानी कि मजदूर नहीं होते थे और ऑफिस में बैठकर कार्य किया करते थे, उनको वो एक सफेद कॉलर दिया करते थे जो शर्ट के ऊपर लगाई जाती थी, वो व्हाइट कॉलर जॉब्स कहलाता है। दूसरी बात, यानी कि ऐसी नौकरी जो ऑफिसों में होती है, यानी कि मजदूरी नहीं, मजदूर जो होते हैं, लेबर होते हैं, वो नहीं, कारखानों में काम करने वाले नहीं, ऑफिस में काम करने वाले को व्हाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं, नौकरी कहते हैं। और मजदूर जो होते हैं कारखानों में काम करते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, जो व्यक्ति कारखानों में काम करता है उसको क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर सर्विस कह सकते हो, ब्लू कॉलर जॉब कह सकते हो उसके बारे में। क्या प्राप्त करने के लिए? नौकरी प्राप्त करने के लिए, ये आपको यहां लिखना है। आगे लिखिए इसमें, इफ यू अमंग थाउजेंड्स, हजारों में से कुछ, या कह सकते हो हजारों के बीच में कुछ, among thousands get selected का मतलब चुन लिए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बात और बताता हूं, छोटी छोटी चीजें हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मेरा मानना है टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर देमसेल्फ्स। छोटी छोटी चीजों की देखभाल करो, बड़ी चीज स्वतः ही ठीक हो जाएगी। मेरा मानना है रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ ए स्क्वायर एंड द अदर एंगल विल रेक्टिफाई देमसेल्फ्स। यानी कि किसी वर्ग के एक कोण को आप सही कर दो, बाकी के कोण अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों की ओर ध्यान देना है। गेट सेलेक्टेड लिख देते हैं तो भी सही है, और गेट सेलेक्शन लिख देते हैं तो भी सही है, क्योंकि गेट सेलेक्टेड तो आपका हो गया पैसिव वॉइस, और गेट सेलेक्शन हो जाता है आपका एक्टिव वॉइस। अब कुछ बच्चों का मानना है, सर पैसिव वॉइस में तो इजारा थर्ड आनी चाहिए, बाजवर थर्ड आनी चाहिए, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, ये जो गेट वर्ब है ना, इसमें इजारा नहीं आता है। गेट का हम पैसिव तैयार कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए गेट के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है सीधी ही। दोनों में से एक शब्द आपको लिखना है, गेट सेलेक्टेड चुन लिए जाते हैं, या गेट सेलेक्शन माने चुनाव प्राप्त करते हैं, या सेलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, सेलेक्शन पा लेते हैं। दोनों में से एक शब्द लिखना है। इफ यू अमंग थाउजेंड्स गेट सेलेक्टेड और सेलेक्शन एंड द रेस्ट और शेष लोग रिटर्न लौट जाते हैं टू देयर होम्स अपने घर विद हैवी हेड्स। हैवी हेड्स का मतलब भारी सिर लेकर के, एक वजनदार विचारों वाला सिर लेकर के, झुके हुए सिर के साथ निराश होकर के, लिख सकते हो यहां, निराश होकर के वो अपने घरों को शेष लोग लौट जाते हैं। क्यों? और लिख सकते हो क्योंकि अवसर बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज आर फ्यू, बहुत ही कम अवसर हैं, जबकि बेरोजगार लोग बहुत हैं। अब आप यहां से आगे पैरा चेंज करो
और पैरा चेंज करने के बाद आपको लिखना है, यहां पैरा चेंज कर लीजिए और फिर लिखना है नाउ व्हाट कैन बी डन, अब क्या किया जा सकता है, अब क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या सुझाव आप दोगे, या आप सुझाव आपको लिखना है, कौन से आपको सुझाव लिखने हैं, कि जो बेरोजगारी है उसको हम कुछ हद तक किस प्रकार से मिटा सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको रोजगार दे सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको कुछ सुझाव दे सकते हैं जिससे कि कुछ स्वयं का रोजगार किया जाए, या कुछ इस प्रकार की चीजें किए जाएं कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा सकें, छोटे पैमाने के उद्योग लगा सकें। यहां से आगे आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थियों कि अब क्या किया जा सकता है, ए बिगिनिंग कैन बी डन, ए यहीं से लिखना है जस्ट नीचे से, एक बिगिनिंग कैन बी मेड, एक शुरुआत की जा सकती है, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा प्रदान करते हुए एक शुरुआत की जा सकती है, कौन से लोगों को शुरुआत की जा सकती है, टू दोज, उन लोगों को हु वांट्स, जो चाहते हैं, ए बिगिनिंग एक शुरुआत कैन बी मेड की जा सकती है, प्रोवाइडिंग प्रदान करते हुए टेक्निकल एजुकेशन तकनीकी शिक्षा, टू दोज उन लोगों को हु वांट जो चाहते हैं, सॉरी हु सो जो दिखाते हैं एप्टीट्यूड यानी कि कुशलता, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, कुशलता कौशल क्षमता, यहां से आगे लिखना है आपको अलोंग विद इट, इसके अलावा लेट लॉन्स बी मेड इजीली अवेलेबल to those who want to open a small scale industry, thus the problem can be tackled to some extent. Please publish this article to spread awareness among people. ये आपका लेटर हो गया, मैंने थोड़ा जल्दी लिया है, अगले पत्र भी हो जाएंगे यहां से आगे, टाइम लगेगा इसमें क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट थोड़ी सी। बात करते हैं
नाउ व्हाट कैन बी देन, क्या किया जा सकता है, ए बिगिनिंग, एक शुरुआत, कैन बी मेड, प्रोवाइडिंग की जा सकती है, प्रोवाइडिंग प्रदान करते हुए, टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, टू दोज, उन लोगों को, हुसो, जो दिखाते हैं एप्टीट्यूड, कुशलता, कौशल, क्षमता, दक्षता, अलोंग विद इट, यहां फुल स्टॉप लगाना है, अलोंग विद इट, इसके साथ, लेट लोन्स बी मेड इजीली अवेलेबल, लोन्स माने कर्ज, लेट बी मेड अवेलेबल, उपलब्ध करवाए जाए इजीली, आसानी से, टू दोज, उन लोगों को, हु वांट, जो चाहते हैं, टू ओपन, खोलना, या टू स्टार्ट, शुरू करना, स्मॉल स्केल, छोटे पैमाने के इंडस्ट्री माने उद्योग। दस इस प्रकार से द प्रॉब्लम, ये समस्या, कैन बी टैकल्ड, सुलझाई जा सकती है, टू सम एक्सटेंट माने कुछ हद तक, कुछ हद तक या कुछ सीमा तक। आगे आप लिख दोगे कि आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए कृपया इसको आप पब्लिश करो। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अधिक सुझाव तो नहीं दिए, फिर भी नंबर एक सुझाव क्या है कि एक शुरुआत करो। किस चीज की शुरुआत करो? तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की। दूसरी चीज क्या है? तकनीकी शिक्षा, जिस व्यक्ति के पास क्या कहते हैं, अपना एप्टीट्यूड, अपनी कुशल कौशल क्षमता होगी तो वो स्वयं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता। दूसरी बात, कुछ लोगों के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं होता है, और वो यदि बैंकों में जाकर के लोन लेते हैं तो उनको बहुत सारा टाइम भी लगता है और आसानी से लोन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिर बैंकिंग सिस्टम का भारी भरकम जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, इस वजह से वो फिर ये बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। इस वजह से यहां ये भी बताया गया है कि लोन्स यानी कि कर्ज हैं वो भी आसानी से उपलब्ध करवाए जाएं। किन लोगों को? जो लोग क्या करें, इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के, लघु पैमाने के उद्योग खोलने चाहें, उन लोगों। इस प्रकार कुछ हद तक, यानी इसमें यह भी नहीं बताया गया इस तरीके से पूरा बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं, इस प्रकार से नहीं, लेकिन कुछ हद तक यहां ये जो बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। प्रिय स्टूडेंट्स, यहां बात की जा रही है हैं, तो एक शब्द दिया गया है अवेयरनेस अमोंग पीपल, लोगों में जागरूकता फैला। जागरूकता किस बात की? इस बात की कि लोग और बेरोजगार लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बजाय, जो अपना बहुत सारा समय गुजार देते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में और अर्ध सरकारी नौकरी के चक्कर में, वो उन लोगों में, उन बेरोजगारों में यह संदेश पहुंचेगा, जागरूकता पहुंचेगी कि हमें अपना स्वयं का ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, स्वयं का कुछ उद्योग स्थापित करना चाहिए, चाहे वो छोटा पैमाना का ही क्यों ना हो। यहां से आगे आप लिख सकते हो, यहां थैंक्स लिख दीजिए, और थैंक्स लिखने के बाद नीचे आप क्या लिखोगे, यू आर फेथफुल्ली लिख सकते हो, सिंसियरली भी लिख सकते हो, या ट्रूली लिख सकते हो, और नीचे अपना नाम। प्रिय विद्यार्थियों, ट्रूली की स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान रखना है, केवल टी आर यू एल वाई है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ट्रू याद रख लिया और उसमें फिर एल वाई लगाते हैं, दैट इज इनकरेक्ट, वो क्या है, बिल्कुल गलत है, हमें इस तरीके से नहीं लिखना है। आशा करता हूं आपने कॉपी कर लिया होगा
और मैंने सभी शब्दों का हिंदी भी आपको बता दिया है, फिर भी किसी बच्चे को हिंदी इसमें से पूछना है या किसी सेंटेंस, क्यों इसमें एक दो आपका कुछ पीजीएम कुछ फ्रेज मुहावरा दिया गया है, जैसे कि एक उसमें दिया गया था व्हाइट कॉलर, मैंने उसका हिंदी अट करा दिया है आपको। एक है फीडरिंग देयर ओन नेस्ट, अपने स्वयं के घोंसलों को सजाना या अपने घरों को सजाना, घरों को भरना, घरों में पैसा भर रहे हैं लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच, एक ये इसमें ये फ्रेज दिए गए थे। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या है अगला प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने उतार लिया होगा, मैं अब ठीक चल रहा हूं, शायद तेजी से नहीं भी चल रहा हूं, बच्चों ने बताया थोड़ा सा धीमे, हालांकि धीमे चल रहा था लेकिन पिछले दिन कल थोड़ा मैंने एक पत्र तेजी से लिखा था। चलिए हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका है वही एडिटर का, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यू टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी है, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, एक दृष्टिकोण एक विचार व्यक्त करते हुए, अबाउट द रोल ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिमूवल सुपरस्टिशंस प्रीवेलेंट इन आवर सोसाइटी। आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं, मिटाऊंगा नहीं, आराम से उतार लो, हिंदी अब भी समझाता हूं, आराम से उतारिए, डोंट वरी माय डियर्स, आप हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, आप हैं तभी हम हैं यहां, आप नहीं होते तो हम यहां अधूरे हैं, किसी भी काम के नहीं, आप हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, आराम से आप इसको उतारिए, मैं इसका हिंदी आपको समझाता हूं, इसका क्या डेफिनेशन, किस बारे में ये बात कर रहा है, ये हम बात करते हैं। धीमे ही चल रहा हूं, मैंने आप कल बताया था इसके बारे में, इस प्रकार के जो लेटर होते हैं लेटर टू एडिटर, उनमें यही विचार दृष्टिकोण मैं आपको ये लिखाऊंगा आगे चल करके, कौन कौन से जो शिकायत हैं वो भी अपन को लिखा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत सारे पत्र हैं, ऐसे पत्र कि आप अपने प्रिंसिपल साहब को पत्र लिखिए अपने विद्यालय में कंप्यूटर लैब लगाने के लिए, आप जिससे कि कंप्यूटर का लाभ ले सके, ये भी पत्र होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पत्र ये भी होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं और आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं किया, तो बोर्ड जो एग्जाम रजिस्ट्रार है उसको पत्र लिखो, एग्जाम कंट्रोलर को पत्र लिखो कि सर मैंने अभी तक मेरा एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं किया, वो भी पत्र है। मान के चलिए आपने बोर्ड फॉर्म कछुमरे खेडली से भरा है, फिल किया है, और यदि आपका किसी कारण से यहां आप नहीं हो, किसी कारण से आप दूसरी जगह निवास कर रहे हो राजस्थान स्टेट में ही किसी और डिस्ट्रिक्ट में, और आप चाहते हो कि आपका एग्जाम सेंटर चेंज किया जाए, ये भी पत्र है, लेकिन अलग अलग पत्र हैं ये। या शिकायती पत्र की बात करते हैं तो शिकायती पत्र भी लिख सकते हैं, यहां प्रॉब्लम इसकी है पावर सप्लाई नहीं है, स्ट्रीट लाइट है वो नहीं है, या गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं, गड्ढे हैं यहां, उनमें पानी भरा रहता है और जो बरसात का समय है वो उसको और खराब कर देता है,
मलेरिया और डेंगू की प्रॉब्लम होती है, आप कई बार शिकायत कर चुके हो ब्लॉक हेडक्वार्टर पर अपने अधिकारी को, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, आप इसको संपादक को लिख सकते हो, सर हमारी समस्या की ओर उन अधिकारियों का ध्यान लाएं, ये आप शिकायत कर सकते हो। बहुत सारी शिकायत हो सकती है, लेकिन विचार भी लिख सकते हो। महत्वपूर्ण चीज ये है, यह बात करते हैं राइट ए लेटर। एक बच्चे ने कहा था कि सर कविता सुना दो। मैं ऑफलाइन क्लासेज में अक्सर विद्यार्थियों को हिंदी की कुछ हास्य कविताएं सुनाता रहता हूं। मुझे कविताएं पढ़ना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मैं अन्य महान कवियों की कविताएं सुनाता हूं। आई एम नॉट ए हिंदी पोइट, आई बिलोंग टू इंग्लिश लिटरेचर, आई बिलोंग टू लिटरेचर। मैं साहित्य से संबंध जरूर रखता हूं, लेकिन मैं आपको सुनी सुनाई कविताएं ही सुनाता हूं। चलिए बात करते हैं कविता की। रिंग रोड पर मिल गए नेताजी बलबीर, कुत्ता उनके साथ था, पकड़ रखी जंजीर, पकड़ रखी जंजीर, अल्सेशियन था वह कुत्ता, और भौंकने का दो गुना रखता था भुक्ता। भुक्ता का मतलब साहस। हमने कहा कहो कैसे हो गुमसुम, नेताजी अपने कुत्ते को लेकर जा रहे सड़क पर, कवि को वो मिल गए, तो कवि ने उनसे कहा कहो कैसे हो गुमसुम, इस गधे के साथ कहां जा रहे हो तुम। नेताजी बोले करके टेढ़ी नाक, गधा है या कुत्ता है, फूट गई है आंख, फूट गई है आंख, नशा करके आए हो या सुबह सुबह हमसे लड़ने आए हो। हमने कहा कौन आपसे जूझ रहे हैं, ये सवाल तो हम कुत्ते से पूछ रहे हैं। आशा करता हूं थोड़ा मनोरंजन हो गया होगा। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट, राइट ए लेटर टू द एडिटर, लिखो ए लेटर, एक पत्र टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ द न्यू टाइम्स, ये संपादक इस समाचार पत्र का है। एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए योर व्यूज, अपने विचार अबाउट द रोल ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिमूवल सुपरस्टिशन। किसके बारे में, अबाउट माने के बारे में, द रोल माने योगदान ऑफ मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी इन रिमूवल, हटाने में, निराकरण करने में सुपरस्टिशंस। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक नाउन है और एक वर्ब भी है, रिमूव हटाना, लेकिन इस वर्ब को आप नाउन बनाना चाहते हैं तो आईएनजी लगा दो और इसके स्थान पर लिख दो, दोनों का अर्थ एक ही होगा। इन रिमूविंग एक ही बात है, इन रिमूवल एक ही बात है, इन रिमूविंग या रिमूवल सुपरस्टिशंस माने अंधविश्वास, प्रीवेलेंट जो व्याप्त हैं, प्रचलित हैं। एक शब्द और है यहां, प्रीवेल, मैंने आपको बताया था यहां नाउन जो होती है उस नाउन का कार्य वर्ब भी कर सकती है, जैसे कि प्रीवेल, ईडी लगा दिया, वर्ब का काम भी कर रहा है। प्रीवेलेंट जो व्याप्त हैं, प्रचलित हैं इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे समाज में कुछ अंधविश्वास और पाखंड, देर आर सो मेनी सुपरस्टिशंस एंड हाइपोक्रेसीज इन आवर सोसाइटी एंड द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी have played a vital role in removal these superstitions and hypocrisies from our society. इन अंधविश्वासों को हटाने में और इन पाखंडों को हटाने में विज्ञान और तकनीकी ने बहुत अच्छा योगदान प्ले किया है। तो आप इस पर अपने विचार देना चाहते हैं और इन विचारों को आप एक न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करवाना चाहते हैं, जिससे कि आम जनता उस विचार का लाभ ले सके। यहां आप लिखोगे अपना एड्रेस,
सी 15 है, सी स्कीम जयपुर। एक पंक्ति छोड़कर के आपको डेट लिखनी है 7 मई 2020। नीचे आपको फिर एक या दो पंक्ति छोड़नी है और लिखना है द एडिटर, नीचे द न्यू टाइम्स। कुछ बच्चों की यहां शिकायत ये हो सकती है, शिकायत नहीं, प्रश्न हो सकता है, कौन सा प्रश्न कि सर क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, द एडिटर ऑफ द न्यू टाइम्स और जयपुर। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। एक पंक्ति में यदि ये लिखना है तो आपको यहां ऑफ लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लिख सकते हो। जयपुर के नीचे फिर एक पंक्ति छोड़नी है और सब्जेक्ट लिखना है। यहां से आप इसको लिखिए, मैं ऊपर लाता हूं इसको, नीचे नहीं, और लिखना प्रारंभ करते हैं कि आपके क्या विचार हैं, क्या दृष्टिकोण है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले पत्र में मैंने आपको जो लिखा था उससे थोड़ा सा हट करके लिखूंगा इसको, जिससे कि आप दोनों प्रकार से लिख सक लिखना सीख जाओ। देखिए, यहां आप लिखोगे सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट दिया हुआ है, द रोल ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरी बात करते हैं सर या डियर सर, और वही लिख सकते हो आई वुड लाइक। मैंने पिछले बताया था, पिछले मैंने थ्रू से प्रारंभ किया था कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यहां के बजाय ऐसे लिखिए आई वुड, उसको भी लिख सकते हैं चाहे तो, चाहे तो उस प्रकार लिख लो, चाहे तो इस प्रकार लिख लो, दोनों प्रकार से। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड नोटिस ऑफ कॉमन फॉल्क, कॉमन फॉल्क का मतलब आम जनता का ध्यान लाना चाहता हूं। अधिकारी लिख सकते हैं, अधिकारियों को कोई मतलब है नहीं वैसे इसमें, आम जनता का ध्यान लाना चाहता हूं थ्रू यूअर वाइडली सर्क्यूलेटेड डेली न्यूज़पेपर। Towards my views about the, जल्दी तो नहीं लिख रहा हूं, चलो धीमे लिखता हूं, about the role of modern science and technology in removal superstition, ध्यान रखना इसका, and hypocrisy from our society. उतारिए या स्क्रीन शॉट लीजिए, बाद में उतार लेना।
प्रश्न वही है, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, चाहूंगा टू ड्रॉ लाना खींचना द काइंड नोटिस दयालु ध्यान, इस प्रकार के किसी पत्र में से आप काइंड को हटाना भी चाहें कोई दिक्कत नहीं। ऑफ कॉमन फॉल्क, आम जनता का, थ्रू यूअर वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर, तुम्हारे वाइडली माने विस्तृत रूप से फैले हुए, यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में नहीं विस्तृत रूप से फैले हुए, पूरे देश में फैले हुए, मैं तो कहता हूं पूरे संसार के 2-4-5 देशों में फैला हुआ न्यूज़पेपर, वाइडली सर्कुलेटेड। कुछ राष्ट्रीय न्यूज़पेपर होते हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यूज़पेपर होते हैं, कुछ राज्य स्तर पर न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पब्लिश होते हैं। वाइडली सर्कुलेटेड का मतलब विस्तृत रूप से फैला हुआ, डेली न्यूज़पेपर का मतलब दैनिक समाचार पत्र, या आप कह सकते हो यहां वीकली न्यूज़पेपर। वीकली नहीं है तो आप यहां लिख सकते हो क्या मंथली न्यूज़पेपर, मासिक। कुछ पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो एक वर्ष में आती हैं, ईयरली मैगजीन, ये लिख सकते हो। आगे चलते हैं, टूवार्ड्स माय व्यूज, मेरे विचारों की ओर, अबाउट द रोल ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का योगदान इन रिमूवल हटाने में, सुपरस्टिशंस अंधविश्वासों को एंड हाइपोक्रेसी और पाखंड को फ्रॉम आवर सोसाइटी, हमारे समाज से। विद्यार्थियों पैरा चेंज कीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पैरा चेंज करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव प्लेड ए वाइटल रोल इन रिमूवल सुपर स्टीशंस एंड हाइपोक्रेसी फ्रॉम आवर सोसाइटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स, तर्क और वितर्क पर आधारित है। दीज See things ये चीजों को देखती हैं, विद डिफरेंट वे, भिन्न तरीके से ये चीजों को देखती है। यहां से आगे लिखना है, फॉर्मरली, विद्यार्थियों फॉर्मरली नहीं तो यहां एनसीएन टर्म लिख सकते हो, पीपल सा थिंग्स कनेक्टेड विद सुपरस्टिशंस
बिफोर गैलीलियो डिस्कवर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन द फैक्ट वॉज प्रीवेलेंट इन आवर सोसाइटी दैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ बट नाउ टाइम हैज चेंज्ड लेकिन अब समय बदल गया है. पीपल प्रूव एवरीथिंग विद साइंस. कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए. मैं इसका डेफिनेशन का हिंदी समझाता हूं कि ये कह क्या रहा है. यदि इस प्रकार का कोई भी रिपोर्ट या आर्टिकल आपको आता है तो आप आराम से उसको लिख सकते हो. इतने शब्द तो ये हैं, या दो चार शब्द और भी आप जोड़ करके लिख सकते हो. चलिए, विज्ञान और तकनीकी ने हेयर प्लेट अदा किया है ए वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण योगदान इन रिमूवल हटाने में सुपरस्टिशंस अंधविश्वासों को एंड हाइपोक्रेसी पाखंड को फ्रॉम अवर सोसाइटी हमारे समाज से. साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीकी आर बेस्ड आधारित हैं ऑन लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स तर्क वितर्कों पर. बिना तर्क के विज्ञान चीजों को नहीं देखती. दीज सी ये चीजें सी देखती हैं थिंग्स चीजों को विद डिफरेंट वे भिन्न तरीके से. फॉर्मरली भूतपूर्व में पहले एंशियंट टाइम में पीपल सा लोग देखते थे थिंग्स चीजों को कनेक्टेड जोड़कर विद सुपरस्टिशंस माने अंधविश्वासों से. बिफोर गैलीलियो डिस्कवर्ड गैलीलियो ने खोज निकाला. ध्यान रखना बिफोर माने से पहले. गैलीलियो एक वैज्ञानिक जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था. गैलीलियो ने डिस्कवर्ड खोज लिया दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन कि पृथ्वी मूव्स अराउंड द सन सूर्य का चक्कर लगाती है. गैलीलियो ने क्या खोज निकाला था? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है. उससे पहले द फैक्ट ये सेंटेंस को ध्यान रखना कई क्लॉजेस में. गैलीलियो ने यह खोज निकाला था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उससे पहले द फैक्ट ये तथ्य ये बात वाज प्रीवेलेंट माने प्रचलित थी इन आवर सोसाइटी हमारे समाज में दैट की द सन सूर्य मूव्स अराउंड द अर्थ पृथ्वी का चक्कर लगाता है. बहुत पहले लोग मानते थे ऐसे कि सूर्य इधर से उगता है और चक्कर लगाने के बाद इधर ही फिर आ जाता है और किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का. लेकिन ये गैलीलियो ने खोज निकाला था. कॉपरनिकस का भी योगदान है. दोनों ने ये खोज निकाला था कि ऐसा नहीं है कि सूर्य चक्कर लगाता है बल्कि ऐसा है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है. बट लेकिन नाउ अब टाइम हैज चेंज समय बदल गया है. पीपल प्रूव लोग सिद्ध करते हैं एवरीथिंग प्रत्येक चीज को विद साइंस विज्ञान से विज्ञान के साथ तकनीकी के साथ लोग इस बात को सिद्ध करते हैं. सो प्लीज
पब्लिश दिस आर्टिकल इन योर न्यूज पेपर टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, आराम से लिखिए। आपको लग रहा है थोड़ा सा जल्दी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे ही ये क्लास समाप्त होती है उसके बाद आपको 10 मिनट और देने हैं वीडियो को दोबारा से, यानी जहां आप रह गया उसको देखने के बाद में, नहीं बाद में शायद आप ना देख पाए, अभी टाइम देना है दोबारा से देखने में। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। राइट ए लेटर टू, यहां आपको लिख देना है थैंक्स और यूअर्स फेथफुली सिंसियरली ट्रूली, जो भी आप लिखोगे। ओके, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज टू बैन ऑन द यूज of polythene bags or plastic carry bags. तो ये विद्यार्थी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान पत्रिका के संपादक को पत्र लिखना है एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए योर व्यूज, अपने विचार दृष्टिकोण टू बैन, प्रतिबंध लगाने के लिए ऑन द यूज उपयोग पर ऑफ पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक कैरी बैग्स, प्लास्टिक की जो ले जाने वाली पॉलिथीन थैली होती है उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, पर्यावरण की अवनति का कारण बनता है, दीज कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, सो यू हैव टू एक्सप्रेस द एप्रोप्रिएट रीजंस Why do you want to ban on the use of these plastic carry bags? You have to write in your letter expressing your views that these causes the death of innocent animals because they eat these plastic carry bags, these polythene bags, because they think that these are their edibles. क्योंकि वो आवारा जानवर इन पॉलिथीन बैग्स को इसलिए खा जाते हैं और मृत्यु का कारण बन जाती है वो पॉलिथीन बैग्स उन पशुओं की, उन निर्दोष मासूम जानवरों की, क्योंकि वो इन पॉलिथीन्स को अपना भोजन समझते हैं, अपना कीड़े को अपना खाद्य पदार्थ समझते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर कल लिखेंगे, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल। क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। बिल्कुल धैर्य से आप सुनिए, समझिए, और हेयर आई विल स्पीक इन इंग्लिश, डोंट वरी माय डियर्स, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन इन इंग्लिश, बिकॉज लर्निंग एनी लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल ए पर्सन शुड फॉलो द रूल। First of all, if you want to improve your language, any language, first of all, you have to follow the rules, LSRW. Because first of all, we listen things, then we speak, then we read, and then we write. Okay, my dears, ध्यान रखिए, अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है। हम और आपने सभी ने हिंदी बोलना सीखा है,
तो क्या हमारे पेरेंट्स ने जब हम छोटे बच्चे थे क्या हमारे लिए हिंदी ग्रामर के सर लगाए थे, गुरुजी से पढ़वाया था आपको और हमको कि हिंदी हम तब बोलेंगे जब सर पढ़ाएंगे? नो माय डियर्स, इट इज द मैटर ऑफ लैंग्वेज, इट इज द मैटर ऑफ स्पीकिंग. सो इफ यू वांट टू स्पीक और इंप्रूव योर लैंग्वेज इन इंग्लिश देन यू हैव टू लिसन इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल. इसलिए नाउ मैं कक्षा समाप्त करता हूं. आप सभी को धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी.